एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो मैं कर रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग की स्टार्ट। और अभी जैसा आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि अभी हल्दी का फंक्शन हुआ, उससे पहले मेहंदी फंक्शन था, और अभी हम जा रहे हैं शादी में। और बारात आ चुकी है, अभी तक रेडी हो रहे थे, लेट हो गया हमें। हम लेट लेती भी हैं क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा ही टाइम लगाती है, ऊपर से हम अब शादीशुदा हो गए तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाते हैं। तो अब पहले मैं अपने साथ अपनी ननद लोगों को आपको दिखाती हूँ, फिर सीधे बारात वाले घर पे मिलेंगे। रुकना, ये रही शिवानी, यू वे रेडी। इनका फुल लुक ही रहा, मेरा फुल लुक दिखा दो यार। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। रिसेप्शन हो चुका है, मतलब जयमाला हो चुकी है, और जयमाला देख के और आपने दूल्हा दुल्हन को भी देख लिया होगा, बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है। और अभी थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम आ गए हैं ऊपर घर पे, तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं और क्या, जाते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, ऐसी तो विदाई में ही जाएंगे, देखते हैं जो भी होता है, क्योंकि अभी तो 4 बज रहे हैं, अभी रिसेप्शन चल ही रहा है उनका, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो तभी मिलता है आपको थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद। हो रहा है ब्राइडल और ग्रूम से फोटो, कपल फोटोशूट। हाय
Thank you.
मैं कल का ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी, पता नहीं क्यों। तो परसों नाइट में भी लेट सोए थे, पर थकान क्यों लगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो नींद भी लेट में खुली, और कल तो दिन भर शादी देखी भी नहीं मैंने। मैं रिसेप्शन के बाद सीधे गाईदान के टाइम पे गई, वहाँ पे फिर सीधे विदाई हो गई थी, और थोड़े बहुत फ़ोटोशूट देखे मैंने उनके, और फिर उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, धूप आ चुकी है अच्छी, और ये सो रखे हैं, दिखते हैं बाकी क्या क्या होता है। आज निकलना भी हमने वापस, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। मैं जहाँ बारात थी वहाँ उस घर में, मतलब कि बोलने के लिए कि हम जा रहे हैं अब, तो थोड़ा उनसे मिल के आते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। नाश्ता भी हो चुका है, और हमने शादी वाला घर बाय करो ना चल चुके हैं हम भी अब ससुराल की तरफ, आगे से पतिदेव और देवर जी जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आगे से लगे हैं रास्ते, बैग पकड़ के। ओ मम्मी, गुड मॉर्निंग। सो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट डे के, नेक्स्ट डे से। तो अभी हम जा रहे हैं किधर को, वोट डालने। तो किस चीज़ का वोटिंग आजकल? तो कोई वोटिंग नहीं होती है तुम्हारे यहाँ। उपचुनाव हो रहे हैं बद्रीनाथ विधानसभा में, उपचुनाव। क्यों? जो हमारे विधायक जी थे वो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधायक पद से किसी कारणवश, तो इस चक्कर में उपचुनाव हो रहा है। हाँ, तो अब वोटिंग दे, वोट दे के आते हैं, फिर आपको सीधा उधर ही मिलते हैं। हेलो गाइस, हम वोट दे रहे हैं, जाओ वोट दे रहे हैं। तो चले गए हम पोलिंग बूथ पे, पोलिंग बूथ। अच्छा, तो आ गए हम वोट देके, और वोट दे दिया है, तो इसका रिजल्ट मुझे भी नहीं पता कब आएगा। तो ये वाला ब्लॉग भी हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल मैं वीडियो कंटिन्यूसली नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं क्यों शादी में मेरे को ही ज़्यादा थकान लग गई, जैसे सबसे ज़्यादा काम मैंने किया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।